हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉपिक क्लासेस। और मेरा नाम अनिकेत पाठक है और मैं आपका मैथमेटिक मेंटर्स। और बहुत से बच्चे हमको जानते होंगे और जो बच्चे नहीं जानते होंगे वो जान जाएंगे मेरा नाम अनिकेत कुमार पाठक है। आज की क्लास में जो है हम लोगों आज जो है आपको द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है और उससे रिलेटेड एक प्रश्नावली को हल करेंगे डियर स्टूडेंट। और जल्द से ही जल्द हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर जैसे हर एक क्लास के कक्षा 10 और 12 के हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, उसी प्रकार मैथ का भी मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व कराएंगे प्यारे बच्चों। तो जैसा आप लोग इस क्लास में जितने बच्चों को चाहिए कि मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाए पिछले वर्षों में जो पूछा गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके जो है उसका भी समाधान कर देते हैं। तो आइए आपके समय को ना लेते हुए हम लोग अपने आज प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। ये स्टूडेंट सबसे पहली बात होती है कि आखिर द्विघात समीकरण होता क्या है। यार बच्चों, द्विघात समीकरण क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, ऐसा समीकरण जिनके घातों की अधिकतम संख्या क्या हो, दो हो, वो क्या कहलाते हैं? द्विघात समीकरण कहलाते हैं। हमने क्या बताया डियर स्टूडेंट? ऐसा समीकरण जिनके घातों की अधिकतम संख्या क्या हो, दो हो, वो द्विघात समीकरण कहलाते हैं। जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। फिर 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। आप यहां देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। आप देखिए अधिकतम घातों की संख्या क्या है, 2 है। अधिकतम घातों की संख्या क्या है, 2 है। तो ये सभी क्या है? ये सभी द्विघात समीकरण है डियर स्टूडेंट। तो जैसे कि आप लोगों को सबको बताया कि आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, तो उतना डीपली से तो किसी टॉपिक पर लोग चर्चा नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट, आप इतना जरूर समझ गए होंगे कि जिनकी घातों की संख्या अधिकतम 2 होंगी वे समीकरण क्या कहलाते हैं? द्विघात समीकरण कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसको मूव करते हैं और आइए हम लोग द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो भी द्विघात समीकरण होगा उसका व्यापक रूप ऐसे होगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है बच्चों? व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो इस रूप का होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। आप इसको जो है एक डिब्बे में बंद करके रखिएगा, अभी कहीं काम देंगे जरूर इस वक्त। तो आज हम लोग जो है प्रश्नावली 4.1 का अध्ययन करेंगे, जो कि वो फार्मूला जो हमने लिखा है उसी फार्मूले पे आधार पे है। तो प्रश्नावली 4.1 क्या आपसे कह रहा है, आपसे क्या पूछना चाहता है डियर स्टूडेंट? तो आप ध्यान से समझिएगा, इस चैप्टर से एक नंबर या दो नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं डियर स्टूडेंट। प्रश्नावली 4.1 जांच कीजिए, क्या निम्न द्विघात समीकरण है, जो दिए गए नीचे द्विघात समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, आपको जांच करके बताना है डियर स्टूडेंट। तो चलिए पहले क्वेश्चन का पहला नंबर सवाल लेते हैं हम लोग। पहला नंबर क्या कह रहा है? x + 1 का होल स्क्वायर। क्या है डियर स्टूडेंट? x + 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है? 2x - 3 है। 2x माइनस कितना है प्यारे बच्चों? 3 है। अब आप देखिए a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसे खोल देंगे प्यारे बच्चों। अब कहोगे a प्लस b का होल स्क्वायर सबको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अब उससे हम लोग खोलेंगे इसको, इसका प्रसार करेंगे, तो a के स्थान पे क्या है? x है। और b के स्थान पे क्या है? 1 है। तो जैसे वहां ए स्क्वायर हुआ वैसे यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। बी के स्थान पे क्या है? एक, तो एक का स्क्वायर प्लस टू ए। ए के स्थान पे एक्स है
और बी के स्थान पे क्या है, एक घर के अलग, सो ये हो गए। फिर इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिए तो 2x हो गया, फिर दो तिहाई कितने हो गए, 6 हो गए बच्चों। अब आप x स्क्वायर लिखिए, एक का वर्ग करोगे एक ही आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे पूरा 2x आ जाएगा बराबर 2x माइनस 6। ये देखिए दोनों इक्वल साइड कट गए, इधर भी 2x था इधर भी 2x से कैंसिल हो गए, माइनस 6 इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 बराबर 0, जोड़ दिए एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब आप इसे क्या ऐसे लिख सकते हो मेरे बच्चों, क्या 0x लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 का मल्टीप्लाई x से कर देंगे फिर से 0 हो जाएगा, 6 क्या रहेगा 7 आ जाएगा मेरे बच्चों। ये चीज जरूर आप समझिएगा, क्या हम लोग जो है इसे 0x इसलिए लिख दिए क्योंकि यहाँ x का पद नहीं है तो 0 लिख कर दिए गए। प्यारे बच्चों जो आपको जो आपका समीकरण आया है एक्स स्क्वायर प्लस 7, यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये देखिए क्या यह इस समीकरण से मैच कर रहा है, तो लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो डियर स्टूडेंट देखिए ax स्क्वायर से मिल रहा है, a का मान यहाँ पर 1 है प्यारे बच्चों, फिर b तो b के स्थान पे यहाँ 0 है और x के स्थान पे x है, फिर क्या है बच्चों c के स्थान पे क्या है 7 है, तो इससे तुलना किए तो ये मैच कर रहा है, अतः लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, दिया गया समीकरण क्या है द्विघात समीकरण है। इस प्रकार आप इसका पहला पार्ट हल कर सकते हो। प्यारे बच्चों दूसरा सवाल क्या है इसी में इसका दूसरा पार्ट क्या कर रहा है वो भी आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, फिर क्या है स्टूडेंट माइनस 2 है, क्या है बराबर माइनस 2 है, फिर 3 माइनस कितना है एक्स, कितना है बच्चों 3 माइनस एक्स है, तो फिर से आप एक्स स्क्वायर किए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग थोड़ा सा हल करते हैं, इस पक्ष को हल करना है, इधर कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिए तो दो तिहाई कितने हो गए माइनस 6, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, 2 का मल्टीप्लाई 1 से ये 2x आ गया बच्चों। अब आप कहीं इन दोनों को मत काट दीजिएगा क्योंकि ये माइनस है वो क्या है प्लस है प्यारे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 2x, ये प्लस 2x इधर आएंगे, ये प्लस 2x इधर आएंगे क्या हो जाएंगे माइनस 2x आ जाएगा, और ये माइनस 6 बराबर इधर आया क्या हो गया प्लस 6 बराबर क्या हो गया 0 हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर प्यारे बच्चों तुलना करने पर, आप देखिए क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ये दोनों ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, मैच करने का मतलब नहीं कि ए यहाँ है बी यहाँ, तुलना के एक ही जैसे दिखाई पड़ रहा है, तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है द्विघात समीकरण है। प्यारे बच्चों अगर आप ऐसे नहीं बता सकते तो आप देखिए अधिकतम घात कितने हैं 2 है ना, तो द्विघात समीकरण है, आप यहाँ भी देख सकते हैं अधिकतम घात कितना है 2 है, तो दिया गया समीकरण क्या द्विघात समीकरण है। तो प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, फिर हम लोग कर रहे हैं पहले का, अब कोई और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो जैसे कि आप इसका तीसरा नंबर या चौथा एक आपके लिए छोड़ देते हैं प्यारे बच्चों, चाहे आप तीसरा लगाइए ना चाहे चौथा, तो चलिए हम लोग चौथा लेते हैं, तीसरा आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाते हैं, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों। क्या है एक्स माइनस 3 है, क्या है एक्स माइनस 3 है, फिर 2x प्लस 1 है, आगे क्या है प्यारे बच्चों बराबर x, फिर x प्लस 5,
डियर स्टूडेंट, अब इसको दोनों पक्षों की तरफ की ओर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो प्यारे बच्चों x का मल्टीप्लाई इससे करोगे, यहाँ x की पावर एक है, यहाँ भी एक है, x के पावर एक और एक मिलके क्या हो जाएंगे, x घात दो हो जाएगा, और यहाँ एक है तो दो एक कितना हो जाएगा दो, तो दो x घात कितना आ जाएगा दो आ जाएगा। फिर इसी x का मल्टीप्लाई किससे करोगे, एक से, x का मल्टीप्लाई एक से करोगे, एक x आ जाएगा। फिर इनका मल्टीप्लाई इनसे करोगे प्यारे बच्चों, तो तीन दूनी छह x, तो माइनस छह x आ जाएंगे। फिर माइनस तीन का मल्टीप्लाई प्लस एक से कर दोगे तो प्यारे बच्चों माइनस तीन आ जाएगा। फिर x का मल्टीप्लाई x से किए x स्क्वायर आ गए। फिर x का मल्टीप्लाई पांच से किए कितना आ गया, पांच x आ गए प्यारे बच्चों। एक तरफ हल करते हैं प्यारे बच्चों, ये देखिए दो एक्स स्क्वायर आ गए, अगर ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये प्लस एक्स है प्यारे बच्चों, फिर कितना है माइनस छह एक्स है, ये प्लस पांच एक्स इधर आएगा तो माइनस पांच एक्स, ये माइनस तीन आपका यहीं पर है, उधर कुछ नहीं बचा प्यारे बच्चों, जीरो हो गए। अब देखिए दो में से एक घटा दिए कितना आ गया एक्स स्क्वायर आ गए। अब छह पांच ग्यारह, ग्यारह में से एक घटा दिए कितना आ गया प्यारे बच्चों दस एक्स आ गया, वो भी माइनस दस एक्स आएंगे। फिर माइनस कितना है तीन है बराबर जीरो। आप देख सकते हैं अधिकतम भाग कितना है दो है, अतः लिख देंगे दिया गया समीकरण क्या, द्विघात समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ये स्टूडेंट इस प्रकार आप इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपका जो पांचवा नंबर है उसको हम लोग देख लेते हैं। पांचवा नंबर क्या कर रहा है बच्चों, इसी का पांचवा नंबर कर रहा है आपसे दो एक्स माइनस एक क्या है, दो एक्स माइनस एक है। फिर क्या है एक्स माइनस तीन है प्यारे बच्चों। फिर क्या है एक्स प्लस पांच और एक्स माइनस तीन बराबर है एक्स प्लस पांच और एक्स माइनस तीन, इस प्रकार है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, केवल मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो एक्स घाते एक और एक मिलकर कितना हो जाएगा दो, एक्स घाते दो आ जाएंगे। फिर इसी का मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे प्यारे बच्चों, तो दो त्याग कितना हो जाएगा छह एक्स आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ से माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस तीन हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई पूरा माइनस एक से कर देंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे प्यारे बच्चों पांच एक्स आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो माइनस पांच आ जाएंगे। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आप देखिए एक्स स्क्वायर भी घर आएंगे तो दो एक्स स्क्वायर में ये एक्स स्क्वायर घर आया क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप देखिए ये छह में से एक घटा दीजिए, छह में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा पांच एक्स आ जाएगा और प्लस कितना है तीन। अब उधर क्या बचे प्यारे बच्चों, पांच एक्स में से एक एक्स घट जाएगा तो चार एक्स माइनस कितना है पांच है। एक्स वाले को एक तरफ करो, सबको इधर ले आओ, तो देखिए दो में से एक घटाए कितना आया एक्स स्क्वायर आया प्लस कितना है पांच एक्स, ये इधर आ गए प्यारे बच्चों माइनस चार एक्स हो गए, ये प्लस तीन है ये इधर आ गए तो प्लस पांच बराबर छह, ये एक्स स्क्वायर हो गए। पांच में से चार घटा दिए कितना आ गया एक्स आ गया, पांच तीन कितना आ गया आठ बराबर जीरो। आप देख सकते हैं घातों की संख्या क्या है दो है, अतः दिया गया समीकरण क्या है द्विघात समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण है। इस प्रकार आप इसे हल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए और इसमें के जो बच्चे और क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो आप लोग हल कीजिएगा, अगर लगाने में कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप कमेंट में लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपके उस सवाल को भी उस समस्याओं का भी समाधान कर लेंगे प्यारे बच्चों। आपको अपने आप से लगाने से कुछ इतना ज्यादा अभ्यास हो जाएगा प्यारे बच्चों उतना और अच्छा रहेगा। आइए प्यारे बच्चों दूसरा सवाल कर रहा है,
इस प्रश्नावली का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि निम्न स्थितियों को एक द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, हल नहीं करना है प्यारे बच्चों। तो क्या कर रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो मान लीजिएगा ये कोई आयत हो गया, क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये कोई आयत हो गया। कह रहे हैं आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी ये जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। प्यारे बच्चों क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से लंबाई सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। क्षेत्रफल की लंबाई मान लेते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है प्यारे बच्चों, x है। चौड़ाई कितनी है, x है। तो माना आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, x। अब हमको लंबाई चाहिए ना, लंबाई आप बताओ। लंबाई कह रहा है इसकी जो लंबाई है ये चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, दुगने से एक अधिक है, ये क्या आ गई, लंबाई आ गई। तो प्यारे बच्चों 2x प्लस क्या आ गया, एक आ गया। वो खुद बोल रहे हैं कि चौड़ाई से दुगने से एक अधिक, तो चौड़ाई कितना है, x है, और दुगना क्या हो जाएगा, 2x, एक अधिक, एक हमने जोड़ दिया प्यारे बच्चों। अब आपको क्षेत्रफल दिया ही है, अब हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे का होता है, क्या होता है भैया, चौड़ाई होती है। चलिए अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आपको पहले ही दिया है 582 दिएगा, सॉरी 582 नहीं प्यारे बच्चों 528 है, तो आप 528 रखिएगा। फिर लंबाई, लंबाई कितना है 2x प्लस 1 है। फिर क्या है चौड़ाई, चौड़ाई कितना है x है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर आएंगे, इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस x आ जाएंगे प्यारे बच्चों। इधर कितना आ गया 528। अब इनको इधर की तरफ लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा x, ये इधर गए तो माइनस 528 बराबर क्या हो गया, 0 हो गए। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका जो ये पहला सवाल था, दूसरे का जो पहला नंबर भाग था उसका जो द्विघात समीकरण का रूप था ये आ गया प्यारे बच्चों। अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पार्ट को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो प्यारे बच्चों दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्या है, धनात्मक पूर्णांक यानी वो धनात्मक संख्या है, ठीक प्यारे बच्चों। तो दो क्रमागत, सोचो एक के बाद दो आता है, एक में एक जोड़ोगे तब दो आएगा, दो के बाद तीन आया तो दो में एक जोड़ रहे, तो मानते हैं पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी। माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 1 होगी। मान लेते हैं माना दो क्रमागत संख्या है, दो क्रमागत संख्या है x और x प्लस 1, क्या है x x प्लस 1 है। पहले तो ये मान ली, आगे करें इन दोनों का गुणनफल 306 है, इन दोनों का गुणनफल 306। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा पहले तो इन दोनों का गुणनफल x इंटू x प्लस 1 बराबर कितना है 306। मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का मल्टीप्लाई 1 से किए x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 1 से किए x आ गए, फिर अब कहीं करना ही नहीं है, बराबर कितना हो गया 306। इसको इधर ला दीजिए x स्क्वायर प्लस x, ये इधर आए तो माइनस 306 बराबर 0। तो ये जो आपका दूसरा था उसका द्विघात समीकरण का स्थिति ये हो गया है बच्चों। इस प्रकार आपका जो दूसरे का पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन था आप इसको हल कर लिए बच्चों। अब आते हैं हम लोग तीसरे और चौथे सवाल की तरफ, को भी देख लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों तीसरा सवाल क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी। माना रोहन की आयु कितनी है, सोचिए जरा सा कि ये क्या हो गए, रोहन हो गए, क्या हो गए, रोहन, ये रोहन हो गए R O H A N, ये रोहन नाम का कोई लड़का होगा ठीक, और ये कोई क्या हो गई, रोहन की माँ हो गई, क्या हो गई, ये रोहन की क्या हो गई सर, माँ, ये रोहन की माँ हो गई। ये क्या है,
थोड़ा सा ये रोहन की माँ हो गई। अब आपसे क्या कर रहा है वो सवाल में, कर रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हो। मान लेते हैं अगर रोहन जो है 10 साल का रहा होगा तो माँ जो है 26 साल होगी, क्योंकि ये 26 साल इससे बड़ी है तो 26 जोड़ के लिखेंगे। अगर यही मान लो रोहन एक्स वर्ष था तो रोहन की माँ क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी ना, लिखेगा कुछ माना रोहन की आयु कितनी हो गई एक्स वर्ष, कितने वर्ष हो गए भाई साहब एक्स वर्ष, तो माँ की आयु क्या होगी, माँ की आयु होगी एक्स प्लस छब्बीस, क्योंकि 26 वर्ष हो बड़ी है। अब कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अवश्य तीन वर्ष बाद जब बाद आए, जब पश्चात आए प्यारे बच्चों, तो जितने वर्ष बाद होता है उतना वर्ष उसमें प्लस कर दिया जाता है, तो अवश्य 3 वर्ष बाद। तो प्यारे बच्चों जब ये लड़का 10 साल का था और हम कह रहे हैं कि अवश्य 3 वर्ष बाद, तो ये 10 × 3 कितना हो जाएगा 13 साल का, तो ये तब माँ जी जब 36 साल थी तो ये 36 और 3 साल बढ़ गए, कितनी हो गई 39 साल हो गए ना प्यारे बच्चों। तो उसी प्रकार जब आपने क्या माना है, इसे तो आपने माना है एक्स और इसे क्या माने हैं एक्स प्लस 26, 3 साल बढ़ा तो 3 साल जब बेटा बढ़ गया तो 3 साल माँ भी तो बढ़ जाएगी। समझ आया प्यारे बच्चों, तो क्या लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु। तो रोहन की आयु प्यारे बच्चों एक्स था, 3 वर्ष बढ़ गया एक्स प्लस 3 हो गए, और 3 वर्ष बाद माँ की आयु क्या हो गई प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा, जो माँ की आयु होगी वो पहले कितना थी एक्स प्लस 26 थी, 3 वर्ष बढ़ गए तो 3 प्लस हो गए, एक्स प्लस कितना हो गया 29 हो गए। तो प्यारे बच्चों अब प्रश्नानुसार क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, प्रश्नानुसार आपसे कह रहा है कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु का गुणनफल और माँ की आयु का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है 360 हो जाता है, कितना हो जाता है 360। तो प्यारे बच्चों रोहन की आयु 3 वर्ष बाद कितना है एक्स प्लस 3 है, माँ जी का आयु कितना है एक्स प्लस 29 है, कितना हो जाता है 360 हो जाते हैं, कितना हो जाते हैं 360। तो आप इनका से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से किए एक्स स्क्वायर, फिर इसी एक्स का मल्टीप्लाई 29 से कर दिए कितना आ गया 29x, फिर इसी 3 का मल्टीप्लाई एक्स से किए कितना आ गया 3x, इसी 3 का मल्टीप्लाई एन से कर दिए तो 3×9=27, 3×9=6, 6×2=8 बराबर कितने आ गए 360 आ गए प्यारे बच्चों। अब देखिए इनको हल कर दीजिए, एक्स क्या 29 और 3 जोड़ दिए 32x आ गए प्यारे बच्चों, ये प्लस कितना है 87 है, ये इधर आएंगे तो −360=0, x² + 32x प्यारे बच्चों घटा लीजिएगा, इनको घटाओगे लगभग आप यहाँ घटा सकते हो 360 में से 87 घटाएंगे 10 में से 7 घटाओगे 3 आ जाएंगे, और यहाँ कितने बच गए प्यारे बच्चों आपके पास यहाँ एक तो 15 बज गए, 15 में से 8 घटाए 7 आ गए, तो ये 2 आ गए, कितना आ गया −273 बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों 0। तो इस प्रकार आपका ये द्विघात समीकरण रूप आ गया बच्चों। तो सरल है क्वेश्चन स्टूडेंट, कोई हार्ड नहीं है। आइए अब इसको हम मूव करते हैं, चलिए तो इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है उसको हल करते हैं। आईपी क्या है बच्चों, एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। तो प्यारे बच्चों मानते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल एक्स किलोमीटर पर हावर है। क्या है प्यारे बच्चों, एक्स किलोमीटर पर हावर है, दूरी कितनी तय करनी है 480 किलोमीटर, यदि उसकी चाल में 8 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दी जाए, चाल में कितना कमी कर दिया जाए 8, चाल में 8 किलोमीटर पर आवर की कमी करने पर चाल। तो प्यारे बच्चों जो चाल पहले x थी
वो 8 किलोमीटर कम हो गए x माइनस 8 किलोमीटर पर हावर आ गए। प्यारे बच्चों ऐसे समझिएगा, तब बोल रहे हैं कि जैसे आपने 8 घंटे कम समय किए, सॉरी 8 किलोमीटर पर हावर चाल कम किए, तो ये जो दूरी तय कर रही थी 480 दूरी, जो कुल दूरी थी, दूरी कितनी थी 480 किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको 3 घंटे ज्यादा लग गए। ये जब तय कर रहा था इस 4 से, तो 3 घंटे, जैसे ये तय कर रहा था 6 घंटे में, इस 4 से जब इतनी दूरी, इस 4 से जब इतनी दूरी तय कर रहे थे 6 घंटे लग रहा था, अगर आपने 8 किलोमीटर कम कर दिया तो यही दूरी आपको 3 घंटे और लग गए, 6 3 9 घंटे हो गए, यानी दोनों का अंतर कितना आया 3 का। पहले x से चल रहे तो 6 घंटे लगा, 8 कम किए 3 घंटा पड़ गया, यानी 9 घंटे हो गए, तो दोनों का अंतर कितने का आ रहा है बच्चों 3 का। यानी यहाँ हमको ये समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि समय बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है चाल होता है प्यारे बच्चों। इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे तो जब चाल x थी तो x चाल से चल रही ट्रेन द्वारा लिया गया समय, तो प्रश्नानुसार तब क्या होगा, तब जो समय होगा दूरी कितनी है 480 है प्यारे बच्चों, और चाल कितनी थी x थी, माइनस दोनों का अंतर कितना है 3 घंटे का, तो वही दूरी 480 बटे x माइनस 8 इस चाल से बराबर 3 आ गए। प्यारे बच्चों इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x और x माइनस 8 आ गए। प्यारे बच्चों अब इनका मल्टीप्लाई हम लोग इनसे कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई से, तो 480 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 480x आएगा, फिर इनसे करेंगे तो माइनस करेंगे 8 जीरो में 0, 8 टाइम 64 टाइम 4, 8 चौके 32, 32 6 38, ये आ गए प्यारे बच्चों। अब इनका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस 480x आ जाएगा बराबर 3 बटे का हो जाएंगे, ये देखिए प्लस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आप इनका मल्टीप्लाई इनसे कर दोगे, इनका मल्टीप्लाई इनसे, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 38 40 बटे का आ जाए, अभी भी करना चाहिए आ गए बराबर। आप इनका मल्टीप्लाई यहाँ से करोगे तो देखिए क्या आ जाएंगे 3 आएंगे, यार बच्चों एक स्टेप और कीजिए, तो यहाँ x का मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई यहाँ किए माइनस 8 है, अब आप कीजिए तो 3 का मल्टीप्लाई इससे, 1 का मल्टीप्लाई इससे, तो प्यारे बच्चों 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर आएंगे, फिर यहाँ करोगे 3 8 कितना 24x आ जाएंगे, क्या बच्चों इनका उल्टा करोगे तो बराबर 38 40 आ जाए, वो भी माइनस के साथ, माइनस वालों की इधर बुला लोगे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे क्या बच्चों 3x स्क्वायर, फिर माइनस 24x आ जाएंगे, और ये माइनस इधर आया तो प्लस 38 40 हो गए बराबर कितना 0। इस प्रकार ये भी स्थिति आपका आ जाता है प्यारे बच्चों, आपके जो है क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं प्यारे बच्चों। अब डियर स्टूडेंट आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, और जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और प्यारे बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने आपसे पूछा था क्या आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराने की जरूरत है, अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डियर स्टूडेंट, हम आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।